power. So what do you mean by work? तो वर्क वर्क क्या होता है? बेसिकली कहते थे कोई भी काम करना, समझ लीजिए ये बॉटल है, मैंने इस पे प्रेशर लगाया कि इसको मूव किया, मैंने एक सिटी को डाला. W is equal to होता है F dot S. Dot means क्या होगा? Dot means scalar quantity. So W is equal to F S. मतलब फोर्स की डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, that's said to be work. तो W is equals to F dot S. पहले हम लोग F S पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे F dot S. Good. F dot S लिखा, समझो. So work is scalar quantity. Scalar is which have only magnitude, no direction. So there are three types of work. तो ये work हम लोग W is equals to F S. ये तब हम करते हैं जब हम लोग plane की बात करें. पर जब हम लोग incline की बात करेंगे, तो अगर हमारा work किसी स्लैंट इंक्लाइन पर रखा है तो उस समय एक एंगल बनाएगा. तो उस समय क्या होगा? डब्ल्यू जो होगा वो एफ एस कॉस थीटा होगा. W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. पॉजिटिव वर्क कब होगा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो डिग्री. When theta is 0 degree, when theta is 0 degree, then work is said to be positive. क्योंकि cos theta की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1. So W is equal to जाएगा Fs. समझ में आ रहा है? Similarly, negative work कब होता है? जब theta की वैल्यू क्या हो? Negative. Negative कब होगी? More than 90, less than 180, या equal to 180. जब भी theta की वैल्यू 90 से greater हो और 180 के बीच पर हो, तो उस समय क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव. क्योंकि उस समय हमारे पास cos 180 की वैल्यू होती है माइनस 1. तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180. तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस. तो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव बट थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन और इक्वल टू 180. सिमिलरली जीरो वर्क, तो जीरो कब होगा? जब मान लिया कि हमारे पास कोई भी वर्क जो है वो परपेंडिकुलर, तो उस समय जीरो वर्क होगा, है ना. मान लिया कोई पुली है, वो बोझ अपना सर पर लादा हुआ है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उस समय वर्क क्या है? जीरो. तो थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, वर्क इज सेड टू बी जीरो बिकॉज कॉस 90 इज जीरो. कॉस 90 वैल्यू क्या होती है? जीरो. वो समझ में आया? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, negative work or zero. Good. Now come to next topic, energy. Energy. So there are two types of energy. ऐसे तो बहुत सारे हैं, but अभी हम लोग बुक में क्या है? Kinetic और potential. Potential energy. Potential energy and kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जहां पोजीशन की बात है, है ना. एनर्जी पॉजेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. तो जहां पोजीशन की बात होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और जहां पे मोशन की बात होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी. मतलब व्हेन एनर्जी पॉजेस बाय वर्च्यू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पीई जो होता है वो होता है एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी के ई जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ वी नीड टू डिराइव दीज इक्वेशंस, पोटेंशियल एनर्जी. सो हमने कंसिडर किया, लेट्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, प्लेस्ड एट अ हाइट h. कोई ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m, वो h हाइट पे प्लेस्ड है. तो उस समय तो जो वर्क है वही एनर्जी है ना. Capacity of doing work is known as energy. So energy W is equal to क्या होता है? Fs होता है. तो W is equal to F common ले सकते हैं mg, क्योंकि यहाँ पे gravity की बात हो रही, height की बात हो रही, और S यहाँ पे हो गया height h. W change to P, तो P is equal to mgh, hence proved. So P जो होता है वो mgh होता है. काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे,
So we know that W is equal to Fs. So W is equal to F को ले सकते हैं हम लोग M A into S. Now come to equation third. B square is equal to U square plus 2As. ये third equation होगी motion की. B square is equal to U square plus 2As. Now consider initial velocity zero. So V square is equal to U is equal to zero. So V square is equal to 2As. So A is V square upon 2S. This is first equation, this is second equation. Now A की वैल्यू यहां पुट करो. तो W is equal to M into V square upon 2S into S. S S cancel. W is equal to 1 upon 2 MV square. और W क्या बन जाएगा? Energy. तो KE is equal to 1 by 2 of MV square. सबकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी. क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है, तो जितनी भी एनर्जीज हैं सबकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी. समझ में आया? सो दिस इज पावर की किलोवाट्स होती है ना. पावर भी याद जा रहा है. ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. एग्जांपल समझेंगे. हमने मान लिया एरो और बो लिया. बो है, बो है एरो. तो जब तक हमने पकड़ा है किसको? बो को, उसका एरो को. हां, वो एरो के साथ जब तक पकड़ा है तब तक वहां पोजीशन की बात हो रही, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी. बट जैसे ही हमने उसको रिलीज किया तो वो क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. गॉट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक पावर. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, है ना? इट्स यूनिट जूल पर सेकंड और वॉट. और वॉट. सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 इनटू 10 टू द पावर 3 वॉट. ये बताओ ना. 1 HP is equals to 746 watt. कुछ समझ में आया? 1 horsepower. हाँ, 1 horsepower is equals to 746 watt. Now, P को हम लोग W लिख सकते हैं MGH. तो MGH upon T. ये भी formula हम लोग power में use करेंगे. समझ में आया? Next, commercial unit of electricity क्या होती है? kWh होता है. KWh होता है. Kilowatt hour. तो अगर निकालना हो तो सीधे फॉर्मूला लिखोगे E is equals to P into T upon 1000. यहाँ पे T जो है वो सेकंड्स में है, यहाँ T जो होगा वो R से होगा. तो P is equals to P को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? V into I into T. याद करो V into I into T upon 1000. V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस. I क्या है? करंट. याद करो इसको.